राजस्थान में जल्द आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट। कल जयपुर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राज्य के प्रमुख नेताओं की लेंगे मीटिंग। विधानसभा चुनाव को लेकर देंगे दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। मोनिका बट्टी को अमरवाड़ा से दिया टिकट। अब तक 80 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। देशभर में 46 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन। बीसी के जरिए जुड़े पीएम मोदी। 51,000 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से की मुलाकात। दोनों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई। कहा उन्होंने केवल जीत ही नहीं दर्ज की बल्कि भारत के लिए गोल्ड भी लेकर आई हैं। मणिपुर में 4 से ज्यादा महीने से हिंसा जारी। सोशल मीडिया पर जुलाई में लापता 2 छात्रों के शवों की तस्वीरें वायरल। राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई का दिया आश्वासन। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन आज। पीएम मोदी समेत राहुल गांधी, प्रियंका और अशोक गहलोत समेत तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं। लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई। ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। देश के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दी बधाई। ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्मदिन आज। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा ईश्वर आपको स्वस्थ सुखी व दीर्घायु जीवन प्रदान करे। राजस्थान में फिर ईडी की एंट्री। राजेंद्र यादव के घर ईडी की कार्रवाई पर बोले पवन खेड़ा। कहा केंद्र और बीजेपी ने ईडी सीबीआई का मजाक बना रखा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान। बोले कांग्रेस शुरू से ही ओबीसी आरक्षण के खिलाफ। मिशन 2030 को लेकर सीएम गहलोत करेंगे यात्रा। जयपुर से होगा मुख्यमंत्री की यात्रा का आगाज। कल बिरला सभागार में ज्वेलर्स, रत्न विक्रेता, ज्योतिषियों और कारीगरों से करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 29 सितंबर को आ सकते हैं हनुमानगढ़। संभावित दौरे को लेकर डीएम रुक्मणी रियार ने राजीव गांधी स्टेडियम का किया निरीक्षण। संभावित दौरे को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल आएंगे खाटू श्याम जी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित होगा मानगढ़ धाम। मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। 100 करोड़ रुपए की लागत से होंगे विकास कार्य। जयपुर हेरिटेज के निलंबित महापौर मुनेश गुर्जर से जुड़ा मामला। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुनेश गुर्जर की ओर से पेश हुई याचिका 29 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी में रोजगार मेले का आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी रहे मौजूद। कुल 72 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। सीआईडी सीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। झालावाड़ जिले में पिकअप में ले जा रही अवैध मादक पदार्थ की खेप पकड़ी। उच्च क्वालिटी का 70 किलो अवैध डोडा चूरा किया बरामद। 2 गिरफ्तार। जैसलमेर के पालना गृह में मिली नवजात बच्ची। प्रीमैच्योर होने के कारण किया एडमिट। बच्ची के देखभाल के लिए केयरटेकर को किया नियुक्त। हिंडौन सिटी में एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन में मासलपुर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। भैंस चोरी के आरोप में 7 साल से चल रहा था फरार। चूरू के रतनगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से 40 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। अजमेर में दरगाह कमेटी के सदस्यों और जायरीन में हुई धक्का मुक्की का वीडियो वायरल। जायरीन ने ऑडियो जारी कर बदसलूकी का जड़ा आरोप। सच बेधड़क नहीं करता वीडियो की पुष्टि। मंत्री साले मोहम्मद का फलसुंड दौरा। भिखुड़ाई सहित आसपास के क्षेत्र में विकास कार्यों का किया लोकार्पण। सऊओ की ढाणी में सरकारी स्कूल का किया उद्घाटन।
अरवल रेलवे स्टेशन के बाहर शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस ने शव की शिनाख्त कर परिजनों को सौंपा। लंबे समय से गंभीर बीमारी से ग्रसित अमृतक। जैसलमेर के किसानों को सीएम गहलोत ने दी सौगात, बजट में नहर से सिल्ट निकालने के लिए 3.59 करोड़ रुपए की हुई थी घोषणा, वहीं घोषणा को अब स्वीकृति मिली। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का मेड़ता सिटी दौरा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, चारभुजानाथ और मीरा मंदिर में किए दर्शन। राजसमंद में ज्वेलरी शोरूम पर लूट का मामला, आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग, पुलिस की फायरिंग में बदमाश घायल, बदमाश को कराया अस्पताल में भर्ती। अलवर के दादर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों का प्रदर्शन, पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान, मंत्री टीकाराम जूली के खिलाफ लगाए नारे, ग्रामीणों का आरोप, मंत्री नहीं कर रहे सुनवाई। एआईसीसी कोऑर्डिनेटर किरण चौधरी पहुंची करौली, सर्किट हाउस में टिकट उम्मीदवारों से की चर्चा, विभिन्न विधानसभा से आए उम्मीदवारों से 1-to-1 बातचीत। माउंट आबू के ओरिया गांव में महिला पर भालू ने किया हमला, मवेशियों को चारा डालने गई थी महिला, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से महिला को बचाया, अस्पताल में इलाज जारी। डीडवाना जिला कलेक्ट्रेट में दिव्यांग स्कूटी वितरण कैंप, समाज कल्याण विभाग ने वितरित की स्कूटी, कुल 78 दिव्यांग को बांटी गई स्कूटी, मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत किया गया वितरण। चित्तौड़गढ़ में जेल प्रशासन की सख्ती, प्रशासन की सतर्कता के चलते तंबाकू और एक पुड़िया की बरामद, जांच जारी। डीके कामा में संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला अधेड़ का शव, मृतक के शरीर पर मिले चाकू के निशान, नैनोरा रोड कृष्णा कुंज कॉलोनी की घटना। झालावाड़ की सुनेल पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 तस्करों को दबोचा, 70 किलो अफीम डोडा चूरा किया बरामद। कोटबुद्ले के बांसुर में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर चले लाठी डंडे, लड़ाई में दोनों पक्षों के महिलाएं पुरुष गंभीर घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी, एक हायर सेंटर में। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर की को मिली तहसील की सौगात, वहीं गजसिंहपुर कार्यालय का हुआ उद्घाटन, एमएलए गुरमीत सिंह कुंडर ने किया उद्घाटन, एसडीएम समेत प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। सीकर जिले के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, हैदराबाद जयपुर हैदराबाद वीकली एक्सप्रेस का विस्तार, हिसार तक चलेगी ट्रेन, सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने किया ट्रेन का स्वागत। बीकानेर के रानी बाजार इंडस्ट्री एरिया में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते केजी कॉम्प्लेक्स में लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान, कोई हताहत नहीं। जालौर के भांडवपुर में पूनावास तक सड़क निर्माण कार्य पिछले 3 माह से पड़ा ठप, काम छोड़कर ठेकेदार हुए गायब, गिट्टी बिछाकर अधूरी छोड़ी सड़क, ग्रामीण हो रहे परेशान। झालावाड़ के सुनेल में पंचायत समिति परिसर में आयोजित हो रहे लाभार्थी शिविर आयोजित में मची अफरा तफरी, विद्युत मीटर में अचानक से हुआ विस्फोट, धू धू कर जला मीटर। अनुगढ़ के घरसाना में युवक की हत्या का मामला, परिजनों ने सीएचसी में दिया धरना, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। पाली के सुमेरपुर में बजरी ठेकेदारों ने से ग्रामीण परेशान, बजरी ठेकेदारों के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, नोवी गांव का मामला। झुंझुनू के लोगों को रेलवे की बड़ी सौगात, आज से शुरू हुई हिसार हैदराबाद साप्ताहिक रेल सेवा, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी ने दिखाई हरी झंडी। गंगापुर कलेक्टर अंजलि राजौरिया का टोड़ा भीम दौरा, अधिकारियों की ली बैठक, मतदान बूथों को लेकर विस्तार से हुई चर्चा, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई भी रहे मौजूद। श्रीमाधोपुर में कृषि उपज मंडी में कंप्यूटर ऑपरेटर्स का कार्य बहिष्कार, जमकर की नारेबाजी, 4 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार, ठेका प्रथा बंद कर आरएसएलडीसी में लागू करने की मांग। चापुरा शहर में पेयजल सप्लाई बाधित, 72 घंटे के बाद भी नहीं हुई पानी की सप्लाई, चंबल पाइपलाइन में लीकेज से लोग परेशान। जोधपुर के ओसिया में कृषि कनेक्शन जोड़ने के दौरान हुआ हादसा, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, परिजन कर रहे मुआवजे की मांग। कोटा में चंबल की डाउन स्ट्रीम में लावारिस हालत में मिला शव, गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत से निकाला बाहर, मृतक की शिनाख्त के प्रयास जारी।
कोटा के गुमानपुर में युवक ने गले में फंदा लगाकर की आत्महत्या, मूर्ति बनाने का काम करता था मृतक। मौत के कारणों का नहीं हुआ खुलासा, गुमानपुर थाना पुलिस मामले की जांच की। कोटा के सिमलिया टोल प्लाजा गुरुद्वारे में मिले मृतक युवक की हुई शिनाख्त, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। सिमलिया थाना पुलिस मामले की जांच की। बाली के बाली में नाडोल नगर के आबादी मकानों पर गिरी आकाशीय बिजली, बिजली गिरने से 3 घरों के छज्जे गिरे, गनीमत रही कि नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा। रायसिंह नगर में खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान विवाद, सरकारी स्कूल के अध्यापक से मारपीट का आरोप, ग्रामीणों ने जड़ा स्कूल पर ताला, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। चाकसू में ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, पैसेंजर ट्रेन हिसार कोटा गाड़ी से हुआ हादसा, ग्राम बड़ली रेलवे फाटक के पास ही। झलावाड़ के खानपुर में दंपति पर जानलेवा हमला, आधा दर्जन लोगों ने किया हमला, आपसी विवाद को लेकर किया कुल्हाड़ी डंडों से वार, घायल पति का अस्पताल में इलाज जारी। श्रीगंगानगर के पदमपुर में राज्य सरकार की स्मार्टफोन प्रचार वैन हुई अनियंत्रित, खेतों में लगे पोल से टकराई वैन, ग्रामीणों ने लगाया ड्राइवर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का। गंगापुर कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने किया मतदान केंद्र और परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र में किया निरीक्षण, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई रहे मौजूद। अलवर के अरावली विहार थाना इलाके में विद्युत पोल चोरी करने का मामला आया सामने, करीब 3 लाख रुपए के 20 विद्युत पोल चोरी कर लिए गए चोर, पुलिस जांच में जुटी। सुरे के शिवगंज में युवक पर कवर बिजूस ने किया हमला, हमले में लहूलुहान हुआ युवक। डूंगरपुर में अवैध शराब बेचने के 3 आरोपी गिरफ्तार, अविशेष चेकिंग अभियान के दौरान की गई कार्रवाई, आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब की जब्त, देवड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंजना पवार पहुंची दौसा, नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों ने किया स्वागत। बांसवाड़ा हर साल को भली भांति, इस साल भी धूमधाम से निकाला राम रेवाड़ी का जुलूस, अखाड़ा के पहलवानों ने दिखाया करतब, पुलिस जाप्ता तक रहा तैनात। धौलपुर की चंबल नदी में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, डीजे की धुन पर नाचते गाते श्रद्धालु आए नजर, सुरक्षा को लेकर पुलिस जाप्ता भी रहा तैनात। अजमेर में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग की सर्किट बेंच का शुभारंभ, कार्यक्रम में आयोग के चेयरमैन जस्टिस देवेंद्र कच्छावा रहे मुख्य अतिथि। धौलपुर में आरपीएफ और जीआरपी पर अवैध वसूली का आरोप, धौलपुर रेलवे स्टेशन का पूरा मामला, वेंडरों ने दुकान बंद कर जताया विरोध। सिरोही के रेवघर में शराब तस्करी पर मंडार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार में भरे 38 कार्टून अवैध शराब सहित कार को किया जब्त। धौलपुर में आनंद नगर कॉलोनी वासियों ने संभागीय आयुक्त से लगाई गुहार, गंदे पानी की निकासी और आम रास्ता को दुरुस्त करने को लेकर लगाई गुहार, प्रशासन और नगर परिषद पर अनदेखी का लगाया आरोप। दौसा के कोलवा थाने के बाहर प्रदर्शन, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, क्षेत्र में हुई चोरियों के खुलासे कर रहे मांग। उदयपुर की भिंडर नगर पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत निलंबित, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, अध्यक्ष पर नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने का। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में ठेकेदारों का प्रदर्शन, हमीरगढ़ नगर पालिका की कार्यशैली से असंतुष्ट ठेकेदारों ने किया प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा, टेंडर में अनियमितता पर गुटबाजी के आरोप। अलवर के उद्योग नगर में नाली के विवाद में 2 पक्षों में चली लाठी डंडे, वहीं विवाद में 2 महिलाएं और 1 पुरुष हुआ घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जोधपुर के एम्स अस्पताल के सामने गली नंबर 11 में हादसा, नींव खोदने के दौरान मकान की गिरी दीवार, गनीमत रही नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा।
जोधपुर में एसआई वारंटी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 10 साल से फरार चल रहा एसआई वारंटी गिरफ्तार। अपहरण एवं फरौती के मामले में चल रहा था फरार, दुबेपुरा मोड़ कुम्हेरी के पास से किया गिरफ्तार। झालावाड़ के खानपुर में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 250 ग्राम गांजे के साथ दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक बाई भी की बरामद। बाली के बाली में देव झुलनी के मेले में उमड़ा भक्तों का सैलाब, घनेराव कस्बे में रियासत काल के प्रसिद्ध 17 विष्णु अवतारों के मंदिर में निकाली गई ठाकुर जी की रेवाड़ियां, पुजारियों ने ठाकुर जी को नहलाते लिए सूरजकुंड में लगाए घंटे। बाली के बाली से राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा देसूरी के वार्षिक चुनाव संपन्न, मंगल सिंह भाटी लगातार तीसरी बार बने कोषाध्यक्ष, सभी पदाधिकारी को चुनाव अधिकारी सुमेर सिंह ने दिलाई पद व निष्ठा की शपथ। चित्तौड़गढ़ के मंडपिया में प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में 3 दिवसीय जल झूलनी एकादशी मेला, कैलाश खेर की हुई प्रस्तुति, भजनों के अलावा फिल्मी गानों पर नाचे श्रद्धालु। पाली के बाली में पैंथर के मूवमेंट से दहशत, गुप्तेश्वर महादेव की पहाड़ी पर पैंथर परिवार ने बनाया अपना आशियाना, तीर्थस्थल ट्रस्ट और लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। अवैध शराब के खिलाफ झुंझुनू में मुकुंदगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 9 पेटी अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार, फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। अलवर में एक ही रात में चोरों ने एक साथ 5 घरों को बनाया निशाना, 5 घरों में लाखों रुपए की चोरी कर फरार हुए चोर, खिड़ली कस्बे के मसूची फाटक के पास की घटना, एक साथ 5 घरों में चोरी के इलाके से हड़कंप। चुरे के रेवदर में बदमाशों का आतंक, अज्ञात बदमाशों ने एक कार पर किया पथराव, बीजेपी नेता गणपत सिंह निम्बोड़ा की कार पर हुआ हमला। शाहपुरा में परिवहन विभाग का सड़कों पर अवैध वसूली का खेल, एंट्री के नाम पर ट्रकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल, राज्य सरकार के दावों की खुल रही है पोल। बाली के बाली में गणपति विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से युवक की हुई मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस ने रुकवाया विसर्जन कार्यक्रम, गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला बाहर। भीलवाड़ा के बिजोलिया में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, मजदूरी करने वाले कोटा के युवक की हत्या, सिर में गंभीर चोट आने से मौके पर हुई मौत, वहीं पड़ोसी ने किया युवक पर हमला। झालावाड़ के खानपुर में गहने चमकाने के नाम पर युवक ने की ठगी, करीब 10 तोला सोने के आभूषण पर किया हाथ साफ, पीड़ित ने थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलवर जंक्शन पर ट्रेन के नीचे आने से व्यक्ति की हुई मौत, ट्रेन में चढ़ते समय बैलेंस बिगड़ने से गिरा सूबेदार, आधे घंटे की मशक्कत के बाद पटरियों के बीच से निकाला बाहर। डूंगरपुर में चोरों ने मोबाइल की दुकान को बनाया निशाना, दिनदहाड़े चोरों ने दिया वारदात को अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना, पुलिस कर रही है मामले की जांच।